न्यूक्लियर फोर्सेस, बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जिससे न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखा हुआ है, न्यूक्लियर फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जिससे न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखा हुआ है। सेम कॉन्सेप्ट एनर्जी का, सेम कॉन्सेप्ट फोर्स का। तो न्यूक्लियर फोर्स में ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो किसे होल्ड करते हैं, न्यूक्लियॉन्स को पकड़ के रखते हैं, नहीं तो प्रोटॉन प्रोटॉन तो रिपेल ही हो जाए। ये फोर्सेस कॉम्प्लेक्स हैं, इनको समझना मुश्किल है। पहला पॉइंट है ये इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज है, मतलब कि ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे भी लगते हैं, ये प्रोटॉन प्रोटॉन पे भी लगते हैं, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे भी लगते हैं। इलेक्ट्रॉन नहीं, न्यूक्लियस के अंदर की बात हो रही है, उसके बाहर नहीं निकलना, तो एन और पी पे लगते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, फर्मी के डिस्टेंस पे लगते हैं, ये कोई मीटर के डिस्टेंस पे लगते नहीं है, डिस्टेंस बहुत छोटा होना चाहिए, 1 फर्मी 2 फर्मी उतने डिस्टेंस पे लगते हैं। ये वेरिएशन याद रखें, ये ऑब्जेक्ट ये बोर्ड में आता है न्यूक्लियर फोर्स और डिस्टेंस का, ये ग्राफ को एक बार इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, ये ग्राफ प्लॉट करने को आ जाता है, न्यूक्लियर फोर्स वर्सेस डिस्टेंस को प्लॉट करें। 0.8 या 0.5 मीटर पे ये रिवर्स हो जाते हैं, 0.5 मीटर से अगर ज़्यादा डिस्टेंस है तो या कम डिस्टेंस है, वैसे ये फोर्सेस क्या होती हैं, अट्रैक्टिव हैं, पर 0.5 मीटर से कम डिस्टेंस पे रिपल्सिव हो जाती हैं, इनका बिहेवियर उल्टा हो जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर डिस्टेंस 10 फर्मी से ज़्यादा है तो ये निगलिजिबल हो जाती हैं, ये काम करना ही बंद कर देती हैं। नेक्स्ट है ये F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर का लॉ बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स लेस देन 0.5 फर्मी है, न्यूक्लियर फोर्सेस बिकम स्ट्रांगली रिपल्सिव, तो ये रिपेल करना शुरू कर देती हैं बस।